मंदिर, जहां लोग भगवान की आराधना करते हैं। मंदिरों में पहुंचकर लोग देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं और मंदिर में कोई भी भक्त आकर अपने आराध्य के दर्शन कर सकता है। मंदिरों में किसी के जाने पर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि भारत देश में कुछ ऐसे मंदिर हैं जहां पर पुरुषों और औरतों का जाना सख्त मना है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आप इस वक्त यही सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, भला मंदिर में जाने से मना क्यों किया जाएगा। तो आपको इस बात का जवाब मिलेगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि उन मंदिरों में स्त्री और पुरुष क्यों नहीं जा सकते। राजस्थान के पुष्कर में ब्रह्मा जी का ये एक मात्र मंदिर है। यहाँ गर्भगृह में विवाहित पुरुष नहीं जा सकते, उनका जाना पूरी तरह से वर्जित है। और एक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि देवी सरस्वती के श्राप के कारण विवाहित पुरुषों को अंदर जाने से रोक दिया जाता है। आपको पूरी कहानी बताते हैं, शायद आपको समझ आए कि ऐसा क्यों होता है। ये तो सभी जानते हैं कि दुनिया में ब्रह्मा जी का ये अकेला मंदिर है जो राजस्थान के पुष्कर में है। तो एक बार भगवान ब्रह्मा जी ने पुष्कर झील में पत्नी सरस्वती के साथ यज्ञ किया था, लेकिन सरस्वती जी किसी बात से नाराज हो गई। तब उन्होंने मंदिर को श्राप दे दिया कि किसी विवाहित पुरुष को मंदिर के अंदर के परकोटे में जाने की अनुमति नहीं है, और अगर ऐसा कोई करेगा तो उसके वैवाहिक जीवन में मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। यही कारण है कि अनमैरिड पुरुष तो मंदिर में जा सकते हैं, लेकिन मैरिड पुरुषों का मंदिर में जाना मना है, और वो भी पूरी तरह से, यानी कि जाना साफ साफ वर्जित है। अब ये तो बात हुई पुष्कर के मंदिर की, अब आपको हम लेकर चलते हैं सीधे कन्याकुमारी। और यहाँ भी एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर पुरुषों का ही जाना मना है। तमिलनाडु के देवी कन्याकुमारी मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। देवी भगवती के इस स्वरूप को सन्यास की देवी के रूप में भी जाना जाता है। यही कारण है कि इस मंदिर के गर्भगृह में विवाहित पुरुषों का प्रवेश सख्त वर्जित है। अब आपको यहाँ की कथा से अवगत कराते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, और आपको ये भी पता लगेगा कि देवी कन्याकुमारी थी कौन जिनको ये मंदिर समर्पित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस बानासुर को भगवान शिव ने ये वरदान दिया कि उसकी मृत्यु सिर्फ और सिर्फ कुंवारी कन्या के हाथों से ही होगी। उस समय भारत पर राज करने वाले राजा भरत को एक पुत्र और 8 पुत्रियां थी। राजा भरत ने अपना राज्य 9 हिस्सों में बराबर बराबर अपने संतानों में बांट दिया। तब दक्षिण का हिस्सा उनकी पुत्री कन्याकुमारी को दिया गया। कन्याकुमारी को देवी पार्वती का अवतार माना जाता था। कन्याकुमारी ने दक्षिण भारत के हिस्से पर अच्छी तरह से शासन भी किया। कुमारी शिव भगवान से विवाह करना चाहती थी और उसके लिए उन्होंने बहुत पूजा और तप भी किया, और भगवान शिव उनसे प्रसन्न होकर विवाह के लिए तैयार भी हो गए और विवाह की सभी तैयारियां शुरू हो गई थी। लेकिन नारद मुनि तभी वहां पर उपस्थित हो गए और उन्होंने कहा कि राक्षस बानासुर का वध कुमारी के हाथों से ही होना है, इसलिए वो विवाह नहीं कर सकती। कुछ समय बाद बानासुर को कुमारी की सुंदरता के बारे में पता चला तो वो विवाह का प्रस्ताव लेकर सीधे कन्याकुमारी के पास पहुंच गया। लेकिन कन्याकुमारी ने एक शर्त रखी कि अगर वो युद्ध में उन्हें हरा देगा तो वो उसके साथ विवाह कर लेगी। फिर क्या था, दोनों में युद्ध हुआ और कुमारी के हाथों राक्षस बानासुर का वध हो गया। रानी कुमारी के नाम से दक्षिण भारत के स्थान को कन्याकुमारी कहा जाता है। तो अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि आखिर क्यों उस मंदिर को कन्याकुमारी के नाम से प्रसिद्धि मिली और साथ ही वहां पर पुरुषों का जाना क्यों वर्जित है। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अभी मंदिर और भी हैं जहां न केवल पुरुषों का जाना मना है, बल्कि कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जहां औरतों का प्रवेश भी वर्जित माना जाता है। ये जानने के लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको उन्हीं हैरान कर देने वाले मंदिरों के बारे में जानकारी देंगे, साथ ही वजह भी बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों।